बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइजिक 20mg कैप्सूल के बारे में, इसके यूज़र्स, साइड इफ़ेक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइजिक कैप्सूल्स गेट्स फार्मा की एक अच्छी ब्रांड है। इसका फार्मूला ओमीप्राजोल है। राइजिक कैप्सूल बिलोंग करती हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, शॉर्टकट में PPI कहते हैं। ये मैदे के अंदर तजाबियत को कम करती है। अगर राइजिक कैप्सूल के बारे में बात करें तो ये 20mg और 40mg में आता है। अब बात करते हैं इसके यूज़र्स की। गढ़, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़। इस डिज़ीज़ में जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक इसोफेगस वाल में से गुजर कर मैदे में जाती है। इस वाल का नाम स्पेंस्टर है। जिन पेशेंट का स्पेंस्टर लूज़ हो जाता है तो खुराक और एसिडिटीज ऊपर इसोफेगस में आना शुरू हो जाती है, जिससे सीने में जलन और दर्द शुरू हो जाती है। इस डिज़ीज़ में राइजिक का यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर, ये एक मैदे में इन्फेक्शन होता है जिसे एच पोलराई हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन कहते हैं। ये मैदे में अल्सर का सबब बनता है और छोटी आंत में भी अल्सर का सबब बनता है। इसमें राइजिक का यूज़ किया जाता है। स्टोमच पेन, गैस एंड इनडाइजेशन के लिए राइजिक कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, हेडेच। ये मेडिसन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हर मेडिसन का मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट होता है। मेडिसन लेने से पहले डॉक्टर से रजू कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेडिसन के मुतलका कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द आप तक पहुँचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।